9RT। हाँ गाइज, आप पे जानते हैं वन प्लस की तरफ से वन प्लस का 9RT आने वाला है और इस में हम बात करने वाले हैं इसी स्मार्टफोन के बारे में। तो पूरा वीडियो देखिएगा, जल्दी वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नहीं किया है। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज। यहाँ पे जो वन प्लस का 9RT है, जैसे कि आप लोग जानते हैं इंडिया के अंदर बहुत टाइम से मतलब लीक चल रहा है कि कब आ रहा है कब आ रहा है। अब फाइनली इस फोन की जो है भाई कुछ कन्फर्म स्पेसिफिकेशन कन्फर्म लॉन्च डेट निकल के आ गई है, तो पूरा देख लीजिएगा। चलिए बात करता हूँ सबसे पहले स्पेसिफिकेशन के बारे में, बाद में बात करेंगे प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ आप इस फोन के बिल्ड और डिज़ाइन में। तो यहाँ पर ये फोन दिखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगने वाला है, 9R टाइप जैसा ही देखने मिल रहा है। तो लुक वाइज में कुछ इतना ज़्यादा चेंज नहीं किया इस बार वन प्लस ने, बट देखने में आप कह सकते हैं प्रीमियम लुक आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है। डिस्प्ले में आपको जो वहाँ पे 6.67 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाता है, सुपर एमोलेड मिलता है, सॉरी ऑयलेट एमोलेड, जो फील्ड एमोलेड मिलता है ना वन प्लस का, वो आपको मिल जाता है। साइड पंचो मिल जाती है, 120 रिफ्रेशिंग रेट मिल जाता है आप लोगों को यहाँ पर। तो डिस्प्ले क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम स्मूथ डिस्प्ले है, बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी वाला डिस्प्ले, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने मिलेगी। चिपसेट में आ जाता हूँ, तो यहाँ पे जो चिपसेट है वो आप लोगों को मिल जाता है बहुत ज़्यादा बढ़िया स्नैपड्रैगन 888 5G वाला चिपसेट, वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट मैं कह सकता हूँ। परफॉर्मेंस फ़ोन की इतनी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, आराम से हैवी टास्क कर लोगे और गेमिंग भी आपकी बहुत ज़्यादा मक्खन टाइप हो जाने वाली, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिलने वाला है। कैमराज में आ जाता हूँ, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का आपको हमें देखने मिल जाता है, जो सोनी का सेंसर है OIS का सपोर्ट उसमें आपको मिल जाता है, जो वन प्लस नॉट 2 में मिला था वही वाला अल्ट्रा वाइड डेप्थ सेंसर भी मिल जाएगा। तो कैमरा में बहुत ज़्यादा बढ़िया आपको कैमरा यहाँ पे दिया गया है इस फोन के अंदर, तो ये याद रखिएगा। सेल्फी में बात कर लेता हूँ, तो साइड पंच होल के साथ आपको यहाँ पर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। अब उसको पता नहीं OIS का सपोर्ट मिलता है कि नहीं, देखते हैं क्या है, बट कैमरा वाइज ये फोन मुझे अच्छा लगता है। बैटरी में आ जाता हूँ, तो 4500 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, टाइप से मिल जाता है, और 65W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, जो मेरे हिसाब से फेवरेट बात बन जाती है मेरी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल के ब्रांड अभी भी कोई ब्रांड हैं जो आपको 25W देते हैं इस प्राइस में भी, मतलब इससे ज़्यादा प्राइस भी ले लेते हैं, मगर आज भी 25W दे रहे हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसको कह रहा हूँ, सैमसंग को कह रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आज के ज़माने में 50W से कम नहीं होना चाहिए चार्जिंग, क्योंकि भाई आजकल का ज़माना है कि छोटे छोटे ब्रांड यार 20,000 रुपये के नीचे आजकल हमें 50W मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आप इतना महंगा पैसा हमसे लेकर आप हमें सिर्फ 25W दो 15W दो, मुझे जमता नहीं है बात। आप लोग बताना आप लोग क्या लगता है। और इसमें तो मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छी बात है, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स में आपका फोन फुल चार्ज हो जाना चाहिए, जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है। ये है पूरा वन प्लस का 9RT। डेफिनेटली फ़ोन बहुत ज़्यादा बढ़िया है, अच्छा है, दिखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है, मगर दो मेन चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। प्राइस जो उसका निकल के आई है गाइस, वो निकल के आई है अराउंड 42,000 रुपीज़। हाँ, इसका जो बेस रेंट होगा ना 8GB है वो 128GB 41,999 रुपीज़, मतलब 42,000 रुपीज़ के बेस रेंट हो सकता है। आप लोग बताओ लोगे, मुझे तो नहीं लगता कि मुझे पर्सनली मैं कहूँगा लेने के लिए, क्योंकि ओवर प्राइस है यार। अब जो वन प्लस के रॉयल कस्टमर हैं, रॉयल फैंस हैं, तो वो ले सकते हैं, वो लेंगे भी, मुझे ओवर प्राइस लगा। अगर ये 35 to 37 आता ना, जब मैं कह सकता था कि वन प्लस भाई लो आप भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया बात, बट 42 ज़्यादा हो जाता है। आप लोग बताना आप लोग क्या लगे, वो 8GB 128 की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं 8GB 256 की बात कर रहा हूँ, नहीं। तो वो भी है, लॉन्च डेट बात कर लेता हूँ, तो ये कन्फर्म हो चुका है कि अक्टूबर में तो नहीं आ रहा है, वैसे ही 28 हो गई है, तो अक्टूबर में तो नहीं आ रहा है, ये आपको नवंबर के मंथ ही में मिलेगा, कुछ ही दिन बचे हैं यार। नवंबर के आपको मिड में मिल सकता है, मतलब नवंबर के मिड से पहले ही हो जाएगा मुझे इतना लगता है, क्योंकि बहुत टाइम से इसका लीक चल ही रहा था वैसे ही, तो ज़्यादा टाइम आपको इंतज़ार करना नहीं है। बता देना कि आप लोग कब से इंतज़ार कर रहे हो और लोगे कि नहीं लोगे। मेरे हिसाब से देखो आईको 7 लेजेंड भी इस प्राइस में आपको देखने मिल जाता है, तो आप लोग कन्फ्यूज हो गए कि ये लें क्या बोले, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आईको मत लीजिए। आईको भी एक नया ब्रांड है, अभी टाइम लगेगा उसको थोड़ा एक आप बोल सकते हैं बढ़िया ब्रांड बनने में, अभी ब्रांड अच्छा है, मगर मुझे फ़ोन उसके कोई इतने खास नहीं लगे, क्योंकि मैंने जितना सुना उसके सॉफ्टवेयर के बारे में और अपलोडवेयर के बारे में, तो मुझे लगा कि आप लोगों को इससे अच्छा जो है यहाँ पर वन प्लस का लेना चाहिए थोड़ा ज़्यादा पैसा देखकर। तो याद रखिए मेरी बात, और वन प्लस नॉट टू भी अच्छा है, और वन प्लस 9RT भी अच्छा आ रहा है। मैं अगर प्राइस ही रखता है ना वन प्लस तो बहुत ज़्यादा चलेगा, बट 42 में भी लोग लेंगे मुझे पता है। बताना कमेंट करके आप लोग क्या लगता है, मगर हाँ ये प्राइस जो बढ़ता जा रहा है ना, ये आगे जाके वन प्लस को प्रॉब्लम देगा, क्योंकि अभी तो भाई लोग ले रहे हैं क्योंकि वन प्लस की फ़ैन फॉलोइंग इतनी है, बट आगे जाके इसको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है वन प्लस को प्राइस के मामले में सोचना चाहिए, अगर प्राइस वो सही रखेंगे तो आगे जाके और उनका ब्रांड आगे बढ़ सकता है, और आगे बढ़ भी रहा है। तो बताना कमेंट करके वीडियो कैसा लगा, पसंद आया आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए कोशिश करते हैं ऐसे डेली वीडियोज़ लाने के लिए। एंड टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।